अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन सोशल मीडिया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली मेरा मोबाइल चोरी हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे चैनल पे काफी लेट वीडियो अपलोड हो रही थी। तो अगर आपको, मैंने सोचा कि आपके साथ मेरे मोबाइल पे, क्योंकि रोला ये बना था कि मेरा IMEI नंबर मुझे मिल नहीं रहा था कि मेरे मोबाइल का IMEI नंबर क्या है, तो आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा अगर आपको मोबाइल चोरी हो जाए या गुम जाए, आपके पास उसका बॉक्स भी ना करना हो और आपको IMEI नंबर भी याद ना हो, तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने IMEI नंबर को। सबसे पहले जो तरीका मेथड ये है कि अगर आपका मोबाइल सैमसंग है या हुआवे या ओप्पो, इन तीनों में से कोई भी कंपनी का अगर आपका मोबाइल है तो आप इजीली अपने IMEI नंबर को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, अगर आपके सैमसंग का मोबाइल है, आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन होगी सैमसंग अकाउंट के नाम से, अगर ओप्पो का है तो ओप्पो आईडी होगी, अगर हुआवे है तो हुआवे आईडी होगी, तीनों को आप अपने जीमेल के अकाउंट के साथ कर लें कनेक्ट। कनेक्ट करने से यह फायदा होगा कि जो डाटा है हमारे मोबाइल का, मेन डाटा से मुराद IMEI नंबर हमारा अपलोड होगा, उधर हो जाएगा हमारे अपने अकाउंट में IMEI नंबर, आपकी रैम कितनी है, आपकी मेमोरी कितनी है, ये दो तीन चीजें, मोबाइल का मॉडल, ये सारा कुछ आपको बता देगा गूगल कि आपका ये तरीका है, मोबाइल का ये नंबर है IMEI। तो शो कैसे करेगा, आपने सिंपल मोबाइल पर जाना है, उसको कर लेना है कनेक्ट। तो जो मेरा मोबाइल गुमा था वो तो मैं नहीं बताऊंगा कैसे किया था मैंने, तो आप सिंपल आपने ओपन करना है अकाउंट को, ओपन करने के बाद आपने कर लेना है कनेक्ट। होने के बाद आप कहीं भी, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आप कहीं भी चले जाते हैं अपने जीमेल के अकाउंट को, जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप उसको अपनी कंपनी के अकाउंट के साथ करेंगे कनेक्ट। कंपनी से मुराद ये है कि अगर आपका मोबाइल सैमसंग का है तो सैमसंग अकाउंट के साथ करेंगे, अगर हुआवे का है तो हुआवे का, अगर ओप्पो का है तो ओप्पो का। तो कैसे करेंगे वो तरीका मैंने आपको समझाऊंगा आगे जाके। तो पहले आप मेरी बात सुने गौर से, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जीमेल आपको जो लगी होगी उस मोबाइल पे, आपको वो जीमेल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको जीमेल याद होगी तो आप इजीली अपने IMEI नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट, तो यहां से अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आना, आपने ओपन करना है गूगल क्रोम। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपने यहां टाइप करना है google.com। जैसे सर्च करेंगे गूगल आपके सामने आ जाएगा। अब आपने लिखना यहां पे जीमेल, जीमेल सर्च करेंगे, आपने स्टेप को फॉलो करना है, जीमेल बाय गूगल आपने इस पर करना है क्लिक। करने के बाद आपने अपने यहाँ अकाउंट में वही आईडी लॉगिन करनी है जो कि आपके मोबाइल पे लॉगिन हो, या आपका मोबाइल चोरी हो गया हो, अगर आपने वो आपने IMEI नंबर शो करना है तो मैंने वही आईडी लगाई है, आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल पे मेरी लगी हुई थी, यही आईडी मेरे नोट 5 मोबाइल था मेरा, उसी मोबाइल की आईडी पे लगी हुई थी। अब मैं आपको इसी से आपको ढूंढ के दिखाऊंगा कि IMEI नंबर को कैसे फाइंड करना है। आप देख सकते हैं कि मुझे सैमसंग अकाउंट का मैंने किया हुआ था कनेक्ट 4 तारीख को किया हुआ था कनेक्ट सैमसंग अकाउंट के साथ, 2 तारीख को मोबाइल घुमा, 3 को मैंने सर्च किया मुझे नहीं मिला, 4 को मुझे मिल चुका। अब आपने लिखना यहाँ फाइंड माई मोबाइल। जैसे लिखेंगे आपके सामने शो हो रहा है मेरा मोबाइल SM, ये मोबाइल का मेरा मॉडल था और ये मोबाइल नोट मोबाइल मेरा मोबाइल था नोट 5। देख सकते हैं कि 3 तारीख को मैंने इसको किया है चेक, 3 तारीख को मैंने इसको गूगल अकाउंट के साथ ऑनलाइन ही किया है कनेक्ट। वो कैसे किया है वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपका मोबाइल चोरी हो चुका है तब आपने करना है कनेक्ट ऐसे, जैसे मैं करूंगा। अगर आपका मोबाइल पास है तो आप अभी से कर लें इसको कनेक्ट अपने सैमसंग के अकाउंट के साथ, जीमेल के साथ कर लें कनेक्ट, या हुआवे या ओप्पो के साथ लिखा। अब आपने वेबसाइट पर उसकी आना है, आने के बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, सिक्योर डिवाइस और डेज डिवाइस। आप इससे अपने मोबाइल को ख़त्म भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है सैमसंग गलेक्सी नोट 5, ये मेरा मोबाइल था, आपके सामने शो हो चुका है मेरा मोबाइल। अब हमने यहाँ से ढूंढना है क्या है IMEI नंबर को कैसे फाइंड करना है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल आपने स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप जाना है, लिखा हुआ है रेज डिवाइड, तो सिंपल आपने बैक आना है, लिखा हुआ है नीचे फाइंड माई मोबाइल और सैमसंग, सिंपल आपने इस पर करना है क्लिक, ये वाला है, इस पर करेंगे क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक किया यहाँ लिखा हुआ साइन इन, साइन इन सिंपल आपने इसको अपने साइन इन पर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे लिखा हुआ है गूगल विद जीमेल, आपने करना है इसको गूगल के साथ कनेक्ट। करने के बाद आपने वही आईडी लॉगिन करनी है जो कि आपके मोबाइल पे लगी हुई है, प्ले स्टोर वाली आईडी। करने के बाद कनेक्ट जब हो जाएगा ना, तो अभी क्योंकि हमने बाद में किया है, अभी किया कनेक्ट, हमने पहले कनेक्ट नहीं किया था, अगर हम पहले करते कनेक्ट जो कि हमारा डाटा था वो इसमें हमारा अपलोड भी हो जाना था, पर लेकिन मैंने अभी किया है तो अभी यहाँ शो करवा रहा है कि कोई डिवाइस नहीं है, क्योंकि जो मोबाइल पे लगा हुआ था मेरा जीमेल वो उस भाई ने जीमेल के मेरा कर दिया ख़त्म, कोई टेंशन नहीं। अभी लिखा फाइंड माई मोबाइल गूगल, इस पर करेंगे आप क्लिक।
अगेन। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ से दिखाया जाएगा आपको अपनी IMEI नंबर, कैसे दिखाया जाएगा, अब आपने मेरे स्टेप को फॉलो करना है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने IMEI नंबर शो हो गया है। ये कैसे हुआ है, पहले शो नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमने इसको पहले किया नहीं था कनेक्ट सैमसंग अकाउंट के साथ। जैसे हमने कनेक्ट किया, करने के बाद हमें यहाँ से दिखा दिया गया IMEI नंबर। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था कनेक्ट, आपको समझाना ये था कि आप अपने सैमसंग अकाउंट के साथ कैसे कर सकते हैं कनेक्ट। तो ये हमारा IMEI नंबर है मेरे मोबाइल का, आपके सामने शो हो चुका है, जो मोबाइल मेरा चोरी हो चुका था। ये IMEI नंबर है। अब मैं आपको इसे 3 से 4 चीज़ें की और हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। आपका मोबाइल गुम जाए, आपने मोबाइल को लॉक कैसे लगाना है, तो सिंपल आपने स्टेप को फॉलो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेज्ड वाइट, तो आप मोबाइल है, अब आपने आना है फाइंड माई मोबाइल पर, करना है क्लिक। कर लिया डिवाइस पे, क्लिक करने के बाद अब आपको एक एक स्टेप समझना है। इस पर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ रिकवरी मैसेज और मोबाइल नंबर। रिकवरी मैसेज छोड़ दें कि आपका मोबाइल अगर लॉक लगा हुआ है, आप ऊपर कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं कि कोई भी मैसेज, वो उसके ऊपर ही मैसेज रहेगा। आप जब मोबाइल आपका मिल जाए, आप वो कोड मैसेज लगाएंगे तो आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको पूरी डिटेल समझाता हूँ। यहाँ पे मोबाइल ये वाला फाइंड योर मोबाइल, ऊपर F15 जो कि मैंने नया लिया मोबाइल आपको पता है, और नीचे नोट 5 है जो मेरा मोबाइल गुम चुका था। 4 तारीख को किया था मैंने कनेक्ट। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ उसकी। इसका मैंने वही जीमेल का पासवर्ड लगाया, नेक्स्ट किया मैंने। करने के बाद जैसे लॉगिन होगा, अब यहाँ लिखा हुआ है रिंग। मोबाइल तो मेरा ऑफ है, अगर मेरा मोबाइल का GPS ऑन होता, ऑन होगा तो वहाँ रिंग होगी मेरे मोबाइल की और चल जाएगी पता नहीं लोकेशन आपका मोबाइल, एग्जैक्ट मोबाइल आपका कहाँ पर है। अब नीचे लिखा हुआ है लॉक योर मोबाइल, आप यहाँ पासवर्ड सेट करेंगे ना जब, तो आपके मोबाइल के ऊपर लग जाएगा लॉक। वो सॉफ्टवेयर करवाने से पहले लॉक हम यहाँ से डाल दें तो वो उसके मोबाइल पे, हमारे मोबाइल पे लॉक लग जाएगा। वो सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी आपका लॉक नहीं खुल पाएगा। अब लिखा साइन आउट ऑन योर डिवाइस, कि आप अपने मोबाइल से जीमेल को रिमूव कर दें। भाई मैं कभी भी रिमूव नहीं करूँगा, आप भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप जीमेल अलग ही आईडी आपने रिमूव नहीं करना। अगेन डालेंगे पासवर्ड, ओके करेंगे। अब मैं आपको लिखा हुआ है रिंग लोकेट योर मोबाइल, बैक आएंगे। अब आपको रिंग दिखाता हूँ मैं, जो ओप्पो F15 है, इस पर करूँगा क्लिक। ये मेरा अपना मोबाइल है, ये इसमें डेली मैं साइन इन होता हूँ, डेली साइन डाटा करता हूँ मैं, और डेली डाटा मेरा अपलोड हो रहा है। तो ये मोबाइल इस टाइम मेरा बिल्कुल सिक्योर है मोबाइल है मेरा। तो न्यू नेक्स्ट स्टेप करेंगे साइन आउट ऑन योर मोबाइल। मैंने मोबाइल पे ये अकाउंट इधर भी लॉगिन किया हुआ था क्योंकि इसमें मास्टर कार्ड मेरा ऐड है, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ से लॉगिन किया हुआ है। लोकेशन आपने इसकी ऑन होगी तो आपको रिंग भी होगी, अदरवाइज आपको रिंग कभी भी नहीं आएगी। साइन आउट नहीं करूँगा, कॉन्टैक्ट योर ऑपरेटर, तो मैं ये भी नहीं करूँगा। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी, हमने आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ IMEI नंबर शो कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह।